स्वागत है दोस्तों हमारे वीडियो में। क्रिकेट जगत में एक बड़ी खबर आ रही है जो एशिया कप 2023 और वर्ल्ड कप 2023 से संबंधित है। इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, वीडियो को पूरा देखिएगा। एशिया कप 2023 होस्ट करने वाली है पाकिस्तान, और पाकिस्तान चाहती है एशिया कप के सारे मैचेस पाकिस्तान में हों। पर BCCI के सचिव जय शाह ने ये बयान दिया था कि भारत अगले साल एशिया कप के लिए पाकिस्तान यात्रा नहीं करेगी। भारत पाकिस्तान के बीच ये मुद्दा और गर्म हुआ क्योंकि पाकिस्तान को 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी भी मेजबानी करनी है। इसी मुद्दे पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रमीज राजा ने उर्दू न्यूज से बात करते हुए कहा कि रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं आती है तो बाबर आजम की टीम अगले साल वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर पाकिस्तान भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेगा तो उसे देखेगा कौन। रमीज राजा का ये भी कहना है कि पाकिस्तान ने भारत को 2021 T20 वर्ल्ड कप में हराया, उसके बाद T20 एशिया कप में भी भारत को हराया। हमारी टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है और हमने एक साल में दो बार भारत को हराया है। रमीज राजा के ये बयान के बाद ये मुद्दा काफ़ी बड़ा होने वाला है, और वैसे भी भारत पाकिस्तान के बीच मुद्दे हमेशा होते ही रहते हैं। देखते हैं इस बार ये मुद्दा कहाँ तक जाता है। क्रिकेट से रिलेटेड लेटेस्ट खबर जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके हमें ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।